अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फिर से आज एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पर बनने वाला है और वो टॉपिक है शॉकिंग इंडियन थिंकिंग अबाउट नेपाल। व्हाट इज दिस, आई डोंट नो क्या होगा इस वीडियो में, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा शायद, और पता है तो ठीक है, नहीं है तो देख लेंगे, देख लेंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नेपाल हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ भारत का एक पड़ोसी देश Yes. है। तो वो छोटा सा देश, लेकिन उस देश में आखिर ऐसा क्या है, बहुत कुछ पूरी है। दुनिया उनका रेस्पेक्ट करती है, उन्हें सैल्यूट करती है। yes. दोस्तों मैं एक इंडियन गुलाम नहीं हुआ और मैं नेपाल के बारे में 10 ऐसे अद्भुत तथ्य बताने जा रहा हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। ओहो, नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जी। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहसे, मकालु, चोयू, धौलागिरी, मायोसलु, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा नहीं है। नेपाल के लुम्बिनी गांव में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में 80.6% लोग हिंदू हैं। वेरी ट्रू। नेपाल के गुरखा दुनिया के खतरनाक योद्धाओं में गिने जाते हैं। आज भी वो ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण अंग हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। मिथिला में सीता माँ का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो त्रिभुजाकार है। इसके अलावा सभी देशों के झंडों के 4 कोने होते हैं। दुनिया का सबसे गहरा कैनियन नेपाल में, उसका नाम है काली गंडकी कैनियन, जो 4375 मीटर गहरी है। यह कैनियन काली गंडकी नदी के द्वारा बना हुआ है। नेपाल का राजधानी काठमांडू प्राचीन समय में एक झील था। जी, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे आने से भी 10 या 12 साल पहले ये जंगल था, एक जंगल ही था, पानी था यहाँ पे। और सॉरी, मैं फिर से वो बात को स्टार्ट करता हूँ। ये जैसे इसने बताया कि जो काठमांडू राजधानी है वो एक झील या ऐसा कुछ बताया उसने, तो झील तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि काठमांडू में, काठमांडू को हम झील नहीं कह सकते। एक काठमांडू जो है एक बाउल की तरह है, लाइक जैसे बाउल होता है ना, साइड से बीच में से डीप होता है और साइड में उसके जो साइड्स होती हैं वो ऊपर को होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। बाउल, बाउल कैसा होता है वो आपने देखा है, वैसा ही एक काठमांडू है। क्योंकि अगर हम लोग ड्रोन से कोई फुटेज देखें या एयरप्लेन में बैठ के अगर कोई हम लोग व्यू को देखें और देखा जाए तो ये एक बाउल की तरह है काठमांडू। जो काठमांडू एरिया है वो है तो पहाड़ी इलाके पे, नीचे पहाड़ हैं इसके और ये हाई लेवल पे भी है, लेकिन उससे भी ऊपर ऊपर जो पहाड़ हैं वो साइड से घिरा हुआ है काठमांडू, तो इसे एक बाउल की तरह कहा जाता है। और मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और मेरे नेपाल आने से भी कई 10-12 साल, 13-14 साल पहले ये काठमांडू में, जैसे हम लोग, जैसे मैंने काठमांडू में वीडियो बनाई थी एक लॉकडाउन वाली, तो उसमें आपने गौर किया होगा कि कितनी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, घर ही घर हैं और रोड्स ही रोड्स हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता था और जंगल था ये, और यहाँ पे बर्फबारी भी होती थी, ये बहुत मजे की बात है। और अब हम लोग देख सकते हैं, मैंने भी बहुत देखा है, मैं इस एरिया में जहाँ रहता हूँ कपन है ये चावेल साइड का, तो इस
एरिया में इतने घर नहीं थे जब हम लोग आए थे, तो हम लोग एक पहाड़िया मेरे घर के साइड पे, वो उधर मैं इस वीडियो में उसकी छोटी सी फुटेज डाल दूंगा वो कैसी दिखती है, फ्रंट यहीं से खड़े होकर उधर दिखती है सामने। तो वो उधर से हम लोग खड़े होकर नीचे जब देखते थे तो इतने घर नहीं थे नजर आते जितने अब हम लोग उधर चढ़ के देखें। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है यहाँ पे, और सिर्फ ये हमारे जो एक म्यूनसिपैलिटी है या बुढ़ानीलकंठ म्यूनसिपैलिटी जो है, बुढ़ानीलकंठ जो एरिया है, सिर्फ उसकी ही आई गेस 10 लाख पॉपुलेशन है, और पूरे काठमांडू में 1 करोड़ पॉपुलेशन के करीब है। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं तो इस बात से कितनी पॉपुलेशन और कितने घर और कितना इस एरिया में पॉपुलेशन और पल्यूशन फैला होगा। तो लेकिन फिर भी नेपाल काठमांडू जो है वो है तो बहुत खूबसूरत, चाहे हजारों करोड़ों घर बन जाए यहाँ पे, लेकिन है बहुत खूबसूरत, ये मैं मानता हूँ। तो होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो, और इस वीडियो को भी आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।